हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक रैंडम जो मॉड्यूल होता है उसे मैंने इंपोर्ट करा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट में मैंने नेम भी दिए हैं कलर के, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, और यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल कोड लिखा है। तो ये हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, देख सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ये हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इनके वजह से अलग अलग कलर्स प्रिंट होते हैं, अगर आपने सीएसएस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहां पर एक num underscore random underscore color, ये एक बनाया हमने ऑब्जेक्ट, इसके अंदर 5 स्टोर करा दिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टोर कराया, 5 स्टोर कराया, और यहाँ लूप चलाया है, फॉर अंडरस्कोर लगा दिया, ना आई दिया ना कुछ दिया, सीधा अंडरस्कोर लगा दिया इन रेंज, और यहां पर num underscore random underscore colors को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पर वही दिया गया है, यहां पे देख रहे हैं, ये चीज देखिए, ये यहां पर तो यही दिया गया, तो इसी को प्रिंट करवा दिया गया, ठीक है। अब इसमें 5 स्टोर है तो इसका 11 है 5, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, फॉर, फिर यहां पर देखिए, यहां पर रैंडम कलर, रैंडम डॉट चॉइस, अब यहां पर चॉइस की बात करी गई है, और फिर यहाँ पे रैंडम कलर को प्रिंट कराया गया। ऐसे में बार बार हमारा आउटपुट चेंज होता रहेगा। पहले जो कलर्स के नाम दिए गए हैं ये सारे, इनमें से कुछ कलर प्रिंट होंगे, फिर दूसरी बार में कुछ होगा, तीसरी बार में कुछ होगा, इस तरीके से ये चलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जब भी ये होगा तो ये देखिए, ये 5 जो लिखा है ना, जब भी आएंगे तो 5 आएंगे। तो अभी देखिए इसको चलाता हूं मैं यहां से, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ही कलर आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए 5 कलर के ही नेम आ रहे हैं। अगर मैं इसको दोबारा से, आप देखिए यहाँ पे हैश FF5733 करके आया है पहला नाम, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको दोबारा से रन करा दूं तो ये दूसरा नाम प्रिंट करेगा, हैश FF55 वाला हट जाएगा। तो देखिए इस बार पर्पल आ रहा है, देख रहे हैं ऊपर क्या था। यहाँ देखिए दोनों आउटपुट, देखिए जितनी बार आप रन कराएंगे उतनी बार चेंज रहेगा आउटपुट, ठीक है। अब ये दो बार में ये आउटपुट रहा, तीसरी बार करेंगे कुछ और आउटपुट आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ये तीसरी बार का आउटपुट देखिए, तो ये तीसरी बार का आउटपुट है। देखिए पहली बार हैश FF करके आया था, दूसरी बार में पर्पल और तीसरी बार में ऑरेंज आ रहा है। तो जितनी बार आप रन कराएंगे ये 5 के ही नेम आएंगे। अब देखिए हर बार 5 के ही तो नेम आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 ही का नेम है, 1 2 3 4 5, ये नीचे भी जो तीसरी बार रन कराया उसमें भी 5 ही के नेम आया हुए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। और ये च्वाइस लगाया, च्वाइस यानी कि च्वाइस करेगा ये कि इन पांचों में से किसको देना है, ये खुद जज करेगा। और ये रैंडम लगाया तो रैंडमली ये आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक ना। ओके।